अभी रामलीला शर्मा जी को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है और कहीं कहीं मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं कि आने वाले समय में प्रोफेसर रामलीला शर्मा के लिए मुझे जो राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अग्रप्रकाश टीवी। दोस्तों, पिछले दिनों जैसे कि आप सब जानते हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ ऐसी बातें हुई जिन्होंने जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें एक हलचल सी पैदा की। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसको बड़ा मजबूत माना जाता है, उसमें कभी बगावत नहीं होती। लेकिन इस बार जैसे ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होती है तो उम्मीदवारों में जो जिनको टिकट नहीं मिलती है उनमें बगावत की एक लहर जो है वो पैदा हो जाती है। बहुत से ऐसे लीडर जिनको टिकट नहीं मिलती है वो बगावत पे उतर आते हैं और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने अपना नामांकन भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर भर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर थे उन्होंने उनको मनाया और उनको मनाकर पार्टी में वापस लाया और जीत को पक्का किया। वो जो उम्मीदवार थे या वो जो लीडर थे जो वापस पार्टी में आए बगावत के बाद, उनको नायब सिंह सैनी सरकार में क्या मिल सकता है, क्या उनकी झोली में कुछ पड़ सकता है, इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं इन सब बातों पर। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और जैसे ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होती है भारतीय जनता पार्टी में बगावत की एक लहर सी पैदा हुई और बहुत से ऐसे नेता थे जिन्होंने बगावत कर दी और पार्टी को छोड़कर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने की बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर थे उन्होंने उनको मनाया, वापस पार्टी में लाए। तो जिनको पार्टी में लाया गया क्या उनको कैसे क्या कोई प्रलोभन दिया गया, क्या उनके साथ कुछ वादे किए गए, क्या उनकी झोली में कुछ हो सकता है, क्या उनको कुछ मिल सकता है नायब सिंह सैनी की जो सरकार बनी है उसमें? देखिए राजेंद्र जी, आपने जो बगावत की बात की है, चुनाव के दिनों में हर स्वाभाविक है, हर पार्टी में जो उम्मीदवार हैं जो अपने आप को चुनाव लड़ने के लिए तैयार करते हैं और उनको कहीं ना कहीं पार्टी द्वारा टिकट से वंचित कर दिया जाता है या टिकट नहीं दी जाती है तो कहीं कहीं उनमें विरोध के स्वर उठते ही उठते हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो लंबे समय से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अपने राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए और टिकट लेने के लिए चुनाव लड़ने के लिए काम करते हैं, लेकिन उनको कई मजबूरियों के कारण पार्टी उनको टिकट नहीं दे पाती, इसलिए उनमें विरोध के स्वर उठना एक स्वाभाविक सी बात है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अबकी बार जो अपने 40 जो पीछे उम्मीदवार थे उनकी टिकट काट दी। 2019 में जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी थे अबकी बार 40 उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया गया और इसके साथ साथ जो MLA और विधायक थे उनके भी टिकट काटे हैं, मतलब उनको टिकट नहीं दिया गया। उनमें से 5 विधायक जो पूर्व विधायक रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और 4 जो मंत्री रहे हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया जी। तो कई लोगों में बड़ा विरोध जताया, कई लोगों ने कई उम्मीदवार जो अपने आप को उम्मीदवार मान बैठे थे उन्होंने अपना विरोध जताते हुए यहाँ तक बहुत आंसू बहाए और उनके पास मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चाहे मदन मोहन लाल बरौली की बात हो चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो वो गए और उनको कईयों को मनाया भी तो और वो कई मान गए हैं। जैसे हम बात करते हैं कईयों ने चुनाव लड़ा है, बगावत चुनाव लड़ के जो जीत के भी आए हैं उनमें श्यावती जिंदल हैं। श्यावती जिंदल ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता भी ग्रहण कर ली थी, हालांकि वो मान नहीं रही थी भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं हूं मैं, उन्होंने बगावत करके चुनाव लड़ा हिसार से चुनाव जीत ली। इसी तरह से देवेंद्र कादियान भारतीय जनता पार्टी के टिकट के गन्नौर से दावेदार थे और बहुत अच्छे मार्जिन से वो चुनाव एक निर्दलीय विधायक के रूप में जीत के आए हैं। तो इस तरह से कईयों को एक ठीक हो जाता है, उनका चुनाव भी जीत आते हैं कई दो, लेकिन ज्यादातर विधायक जो जिनकी टिकट काटी गई थी जो उम्मीदवार पहले थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने मना दिया था और क्या कहकर मनाया था, कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के काडर है तो आला नेता उन्होंने यही कहा है कि कहीं सरकार बनने पर उनको एडजस्ट
किया जाए। बिल्कुल कुछ ना कुछ या कुछ ना कुछ वादे तो जरूर उनके साथ किए गए होंगे। सबसे पहले कविता जैन जी की बात करते हैं। कविता जैन दो बार विधायक सोनीपत से रही हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री रही हैं, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट उनके पास रहा है जी। और बड़ी सूझबूझ वाली वो महिला है। तो उनके पति है राजीव जैन, वो लंबे समय से दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के एक लॉयल कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में उन्होंने काम किया है। और अब की बार कविता जैन को टिकट ना मिलना तो उन्होंने बड़ा विरोध पार्टी की उनको दिखाया और गुस्सा था उनमें और बड़े उन्होंने आंसू बहाए। लेकिन उनके पास अल्टीमेटली जो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट थे ओमनाथ गुडोली, वो उनके घर गए और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गए, उनको मना लिया। क्या कहकर मनाया है, स्वाभाविक सी बात है कि कहीं कहीं उन नेताओं ने ये कहा कि सरकार बनाने पर, सरकार आने पर आपको अच्छी जगह कहीं कहीं एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि जो चुनाव निकलते उनको कहीं कहीं मंत्री बनाने की तो बात जी बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दें, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं और जगह दूसरी जगह चेयरमैन है या और किसी बोर्ड का या निगम के चेयरमैन है उनको बढ़ाया जा सकता है। हालांकि कविता जैन को मुझे नहीं लगता किसी बोर्ड या निगम का, क्योंकि वो पहले अच्छे जो एक मंत्री रही है। तो कहीं ना कहीं जो उनके पति हैं, उनके हस्बैंड हैं राजीव जैन, राजीव जैन तो लंबे समय से पार्टी के लॉयर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है राजीव जैन को एडजस्ट किया जा सकता है। पहले भी मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर, जी बिल्कुल मीडिया एडवाइजर रहे, बिल्कुल ठीक है। और अब की बार भी कहीं ना कहीं उनको मीडिया एडवाइजर के रूप में उनको हरियाणा सरकार में एडजस्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम विशंबर वाल्मीकि हैं जो विधायक रहे हैं पहले और भवानीखेड़ा से मंत्री भी रहे हैं शायद, वो भवानीखेड़ा से विधायक रहे हैं और मंत्री अभी जो नायब सिंह सैनी जी 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 बिल्कुल 2000 मार्च में जो उन्होंने मंत्री मुख्यमंत्री बने थे उनकी सरकार में वो मंत्री भी रहे जी। और उनको पार्टी ने अभी टिकट नहीं दिया इस चुनाव में, काफी रोष प्रकट उन्होंने किया, काफी आंसू उन्होंने बहाए और बाद में नेताओं द्वारा उनको बना दिया गया और उन्होंने पार्टी का साथ भी दिया। उनको कहीं कहीं ये कहा गया होगा मुझे लगता है कि ये स्वाभाविक सी बात है, हर पार्टी अपने अपने जो बाकी उम्मीदवार उनको बनाने के लिए प्रलोभन या किसी तरह के एक आश्वासन देते हैं कि सरकार आने पर आपको एडजस्ट किया जाएगा। मुझे लगता है दिसंबर बाद जो कहीं नहीं बोर्ड का किसी निगम का चेयरमैन बनाया जा सकता है जी। पोता जंगड़ा है, पोता जंगड़ा जो सिरसा से उम्मीदवार थे जी, उम्मीदवार ही नहीं बल्कि उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया था जी, पार्टी ने टिकट दे दी थी उनको। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने हलोपा से जो गोपाल कांडा वहां के कैंडिडेट थे, हलोपा से कैंडिडेट थे, उनके साथ समझौता किया और उन समझौते के तहत रोहतास जांगड़ा की टिकट को पार्टी ने वापस लेना पड़ा। और रोहतास जांगड़ा एक पार्टी के लॉयल रहे, पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, वो पहले भी चुनाव नहीं जीत पाए थे और अगली बार उनका टिकट वापस कर लिया गया। तो ऐसे में मुझे लगता है रोहतास जांगड़ा को कहीं कहीं सरकार में कहीं कहीं अच्छे पद पर या चेयरमैन या किसी और अच्छे पद पर उनको एडजस्ट किया जा सकता है। लतिका शर्मा, लतिका शर्मा जो विधायक रही हैं कालका से, लतिका शर्मा की जगह पंडित विनोद शर्मा जी की पत्नी को शक्ति रानी शर्मा जी दिया गया जी और वो विधायक भी बन गई। तो अब लतिका शर्मा के लिए सरकार क्या कर सकती है, वो विधायक ही रही पहले, मिनिस्टर नहीं बन पाई थी जी। कहीं कहीं मुझे लगता है क्योंकि 2019 में चुनाव वो हार गई, बिल्कुल उसके बाद भी चुनाव सरकार में उनको किसी तरह का पद नहीं दिया गया, नहीं दिया गया बिल्कुल। और अब भी मुझे लगता है कहीं कहीं लतिका शर्मा को पद देना तो मुश्किल है। और लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन को एक संदेश, एक मैसेज दे दिया जाता है कि इस प्रकार के जो हमारे लॉयल कार्यकर्ता है या जो जिसकी टिकट जिसको नहीं दी गई है उनकी कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात सुने, उनके कार्यकर्ताओं के काम हो। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वो लगातार जुड़े रहते हैं, कार्यकर्ता उनसे जुड़े रहते हैं, तो उनके काम करवाने के लिए और लोगों का कहीं कहीं समस्याओं को समाधान करवाने के लिए तो कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को एक संदेश दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक पार्टी के तौर पर कहीं ना कहीं पावर तो उनके पास कुछ ना कुछ उनको दे दी जाती है। सीमा तिरका है जी, सीमा तिरका जो बड़कल
विधानसभा क्षेत्र ये भी मंत्री रही है, विधायक थी और मंत्री रही है नायब सिंह सैनी की सरकार में जी। एजुकेशन मंत्री, एजुकेशन हाँ, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री रही है जी जी जी। और उनको भी टिकट नहीं दिया गया था, हालांकि उनको कहीं कहीं मुझे लगता है किसी बोर्ड या निगम में उसमें चेयरमैन उसमें पद पर एडजस्ट किया जा सकता है। तो इसके बाद हम रेणुबाला जी, रेणुबाला करनाल की मेयर रही है और मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र हो रहा है और रेणुबाला ने बड़ा अच्छा काम पार्टी के लिए किया है। रेणुबाला टिकट की मजबूत दावेदार थी जी, उनको टिकट नहीं देकर नहीं मिला पार्टी की तरफ से और उन्होंने भी बगावती सूरज पर दिखाई दी, हालांकि उनको पार्टी द्वारा उनको मना दिया गया। लेकिन अब रेणुबाला को कहीं ना कहीं मुझे लगता है बोर्ड और चेयरमैन जो जो एक अच्छा कुछ पद मिल सकता है, मिल सकता है उनको डेफिनेटली, उनको इसी क्योंकि अच्छा जो मेयर रहने के बाद है ना, फिर कहीं कहीं टिकट नहीं दिया जाता या चुनाव कहीं कहीं हार जाती है तो वो तो उनको कहीं कहीं चेयरमैन के रूप में कहीं कहीं एडजस्ट किया जाता है। योगेश्वर दत्त है जी, योगेश्वर दत्त पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, पहलवान है वो, पहलवान जी, खेल क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है जी। और योगेश्वर दत्त अब की बार गोहाना से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला और टिकट न मिलने के कारण क्या हो सकते हैं ये तो पार्टी के लोग बेहतर जानते हैं। बाद में उनको मनाया गया और उन्होंने भी एक विरोध प्रकट किया था, अपना गुस्सा पार्टी को दिखाया था, हालांकि पार्टी के नेताओं ने उनको मना लिया और खेल से जुड़े हुए एक नाम उनका, तो उनको भी कहीं कहीं खेल से जुड़ी गतिविधियों में या अन्य किसी प्रकार के बोर्ड या चेयरमैन में कहीं एडजस्ट मुझे लगता है किया जा सकता है, किया जा सकता है जी। इसी तरह से बबीता फोगाट है जी, बबीता फोगाट ने पहले चुनाव भी लड़ा है दादरी से जी और चुनाव हार गई थी वो, और चुनाव हारने के बाद उनको सरकार में चेयरमैन बनाया है और बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो अब बबीता फोगाट को वो भी खेल से जुड़ा हुआ एक बड़ा नाम है, सरकार क्या कर सकती है इसे मुझे लगता है बबीता फोगाट को अब की बार किसी किसी तरह का कोई चेयरमैन का पद या इस तरह की कोई दिया जा सकता है, बबीता फोगाट को भी जगह मिल सकती है, जगह मिल सकता जी 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 जी, पद पर जगह मिल सकती है। रामविलास शर्मा मैं हाँ मैं बात करूंगा, वही आने वाला था कि हरियाणा के बड़े दिग्गज नेता रामविलास शर्मा, बात करें तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के दावेदार नजर आते थे वो, इस बार जैसे ही उम्मीदवारों की लिस्ट आई, पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं था, दूसरी लिस्ट में उनका नाम नहीं था, आखिर में तीन जो नाम थे वो रह गए कहीं ना कहीं, तो उन्हें लग रहा था कि आखिरी जो तीन है उनमें शायद उनका नाम जरूर होगा, लेकिन उन तीन में भी उनका नाम नहीं आया। उसके बाद बगावती सुर शुरू होते हैं, उनका एक बड़ा जनाधार है अपने एरिया में, अपने इलाके में, उन्होंने अपने जो समर्थक उनको इकट्ठा करके पहले तो अपनी पावर दिखाई, उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट जो है चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भर दिया, लेकिन उसके बाद पार्टी के कुछ बड़े नेता जाते हैं और वो पार्टी के लिए क्या करते हैं या पीछे के क्या कारण है वो तो शायद हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं उनके पीछे के, तो वो अपना नामांकन वापस लेकर कहीं ना कहीं पार्टी को समर्थन देते हैं द्वारा, तो इतने बड़े नेता के लिए क्या हो सकता है नायब सिंह सैनी सरकार में? देखिए जैसे आपने बात की है, बताया आपने कि उन्होंने बहुत ही विरोध प्रकट उन्होंने किया था टिकट न मिलने की वजह से और अंतिम जो क्षण तक उन्होंने वेट किया पार्टी का कि टिकट उनको मिलेगी जी। और वेट करने के बाद जब टिकट नहीं मिली तब उसके बाद भी उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में कैंडिडेट के रूप में नामांकन फाइल किया जी। और बहुत अपने उन्होंने जो कार्यकर्ताओं की जो अपने आवास पर मीटिंग बुलाई थी, हजारों हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे और उनके सामने आंसू भी बहाए थे उन्होंने और बड़ा विरोध उन्होंने दिखाया था। लेकिन जब नामांकन फाइल करने के बाद उनके पास दो भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं, और इंद्रजीत सिंह और धर्मवीर सिंह जो जो भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद हैं जी, दोनों नेता उनके पास उनके आवास पर गए, निवास स्थान पर गए, उन्होंने बातचीत की और उनको कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा को मनाने का काम किया और रामविलास शर्मा मान भी गए। तो ये दोनों नेता कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो आला अधिकारी हैं, जो हाईकमान है, उन्होंने उनको कुछ ना कुछ कह के रामविलास शर्मा के लिए कुछ ना कुछ कहकर भेजा था, स्पष्ट है उनके कान में क्या कहा होगा ये तो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा अनुमान लगा
जा रहा है कि उन नेताओं ने कहेंगे जो पार्टी का संदेश है वो इस प्रकार से दिया हुआ कि वह अभी रामविलास शर्मा जी को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है और कहीं कहीं मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि आने वाले समय में प्रोफेसर रामविलास शर्मा को किसी न किसी जो राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो क्या मतलब उनका जो पॉलिटिकल करियर उस पर फुल स्टॉप लग सकता है? पॉलिटिकल करियर पे फुल स्टॉप की बात मैं नहीं कहूंगा। हम ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसा शायद होता नहीं है क्योंकि पीछे बेबी रानी मौर्य राज्यपाल थी वो और उनको राज्यपाल पद से उनका रिजाइन करवाकर उनको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़वाया और मंत्री भी बनाया। तो इस तरह के बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं जो राज्यपाल बनने के बाद भी और दोबारा से राजनीति में उनका पदार्पण हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसा होता रहा है। पॉलिटिकल करियर पे कुछ ड्रॉप होना मुझे सवाल ये निशान नहीं हो सकता अभी कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि उनके लिए ये डेफिनेटली ये जरूर है कि कहीं कहीं जो उनकी जो वरिष्ठता है और उनका जो एक मंत्री पद के रूप में अनुभव रहा है, विधायक कई बार वो नगर से विधायक रहे हैं, उनका जो एक लंबा एक राजनीति अनुभव है, सफर रहा है जो लंबा राजनीति अनुभव है, उस अनुभव को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनसे काम ले सकती है और वो काम कहेंगे किसी किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करके उनको एक काम दिया जा सकता है। इससे पहले भी वरिष्ठ नेताओं को हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं को गणेश लाल ने सिरसा से विधायक रहे हैं जी और उनको भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा का गवर्नर बनाया, उन्होंने 5 साल से भी ज्यादा उन्होंने उड़ीसा का गवर्नरशिप की है, राज्यपाल पद पर रहे हैं और इस प्रकार से मुझे प्रोफेसर रामविलास शर्मा के बारे में भी यही लग रहा है कि थोड़ा इंतजार करने के बाद उनको राज्यपाल पद का जो सुशोभित उनको किया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो उन्होंने त्याग किया है उनका इनाम जो है वो उनको मिल सकता है। निश्चित रूप से इनाम भारतीय जनता पार्टी उनको दे सकती है क्योंकि उन्होंने भी बड़ा त्याग किया है, लंबे समय से एक क्षेत्र की पंद्रहगढ़ क्षेत्र की राजनीति की है और कई बार वो मुख्यमंत्री बनते बनते 2-3 बार जी जी रहे हैं, मजबूत दावेदार रहे हैं जी बिल्कुल जी जी। और मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए लेकिन उनको राज्यपाल कहेंगे भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। सो दोस्तों, रूठे हुओं को मनाया गया और मनाने के बाद जीत पक्की हुई, तो जो रूठे हुए मनाए गए कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ वादे किए गए होंगे, उनको कुछ ना कुछ जरूर दिया जाएगा, तो डेफिनेटली ये आगे आने वाले टाइम में आने वाले समय में उनको क्या मिलता है ये तो भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी। ये सब जानने के लिए आप देखते रहे आज प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।